देखिए बताइए भैया, एक दीदी, कट्ठा की मात्रा बताते हैं। बताइए दीदी। पंद्रह लीटर पानी, तीन सौ एम एल गौमूत्र लेंगे। 300 ml गौमूत्र इसमें डालिएगा। हाँ, इसमें पेशाब डाल दिए, उसके बाद क्या करते हैं दीदी? अब भैया 300 ग्राम देंगे देसी गाय का गोबर। चना के बेसन डालते हैं 100 ग्राम। अब भैया 50 ग्राम गुड़ डालेंगे इसमें। गुड़ नहीं रहेगा तो और दूसरा चीज भी डाल सकते हैं। हाँ, मीठे फल के गुद्दे चाहो गन्ना के रस डाल सकते हैं। ठीक है भैया, एक मुट्ठी मेढ़ के मिट्टी डालते हैं। मेढ़ के मिट्टी क्यों डालते हैं दीदी? मेढ़ के मिट्टी और जंगल के मिट्टी में रासायनिक खाद के अंश नहीं रहता, इसलिए डाला इसलिए जाता डालते हैं जी। को घड़ी के कांटे जैसी घुमाना है 1 मिनट तक। 1 मिनट तक घुमाना है दीदी। जी दीदी, सब घोल तो तैयार हो गया, इसके बाद आप क्या कीजिएगा दीदी? अब जूट के बोरा से बांधेंगे भैया इसको। इसको प्लास्टिक से नहीं बांधते हैं? नहीं, इसलिए जूट के बोरा से बांधते हैं कि इसका गैस जो होता है जो ऊपर निकलता है जूट के बोरा से। तालीस घंटा के लिए छांव में रख देना है, और 2 मिनट मन में, 1 मिनट सांझ 1 मिनट सुबह, मतलब चलाना है इसको, 48 घंटा मन में 2 दिन समझिए। कपड़ा से झांक रहे हैं दीदी? छांदे के लिए भैया, इससे जैसे कि छिड़काव करिएगा खड़ा फसल पर तो उस मशीन में अथी न होगा, इसे तो भी ऐसू भी डाल सकते हैं। है ना जे, इसका छानने से अंश इसमें रह गया जो महीने है जे, सब मोटा अंश छना गया। छना गया। इसको कितना दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं भैया? 7 रोज तक, 7 रोज के अंदर फिर ये खराब हो जाएगी।